पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो विंड का प्रेशर हो। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन पिछले साल ही पीएम मोदी ने किया था, लेकिन हाल ही में ये प्रतिमा टूट कर गिर गई है। अब इसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवाजी की प्रतिमा आखिर इतनी जल्दी कैसे टूट गई। जहां सालों साल तक पुरानी इमारतें आज भी टिकी हुई हैं, वहां एक साल के अंदर ऐसा कैसे हो गया, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, इस वक्त सत्ता में महाराष्ट्र में महायुति है और जो विपक्ष है वहां पर महाविकास अगाड़ी है। दोनों ही खेमे एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। अब महाविकास अगाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे वाले गुट की बात करें तो उनका ये ऐलान है कि 1 सितंबर को गेटवे ऑफ इंडिया के पास इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन वो करने वाले हैं। ये तो एक बात हुई, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रतिमा थी वो आखिर इतनी जल्दी कैसे गिर गई। तो हर 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इस प्रतिमा का अनावरण किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात की जानकारी दी थी कि ये प्रतिमा नौसेना ने, जो उनका विभाग है, उन्होंने बनवाई थी और तेज हवा की वजह से ये गिर गई। उनका ये वादा है कि जल्द से जल्द इस प्रतिमा को वापस बनवा दिया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी यहाँ पर माफ़ी मांग ली है जनता से। महाराष्ट्र का वह इतना संग्राम आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल पूरे महाराष्ट्र में लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को देवता की तरह मानते हैं। शिवाजी की प्रतिमा के गिरने से लोगों को ठेस पहुँची है, लेकिन इस पर राजनीति भी लगातार तेज़ होती दिख रही है। देखिए, ये जो मेटल की प्रतिमा थी, अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने बड़े कलाकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो हज़ारों साल से जो मेटलर्जी है और स्ट्रक्चरल सेफ्टी है उस पर काम लगातार किया जाता है, तो ऐसे में कैसे ये प्रतिमा गिर गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा इस बात का मिल रहा है कि शायद जंग लग गया जिसकी वजह से कमज़ोर पड़ी वो और वहाँ पर हवा तेज़ चली और वो गिर गई। अब इस पर भी यही सवाल आता है कि ऐसे तो बाकी भी जो मेटल्स के स्टैचू हैं वो तो सब गिर जाने चाहिए, लेकिन एक साल भी नहीं हुए, सिर्फ 8 महीने बताइए और ये प्रतिमा गिर जाती है। वैसे तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस प्रतिमा को बनवाया था और जो लोग, जो कारीगर इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी होनी है। लेकिन प्रतिमा गिरने की असली वजह जानने के लिए हमने जब रिपोर्ट्स पढ़ी तो पता लगा कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि इसमें 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, जब कोई मूर्ति बनती है तो उसमें स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है, यानी कि जो मचान टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके बल पर मूर्ति खड़ी होती है उसको बनाया जाता है, या तो उसकी डिज़ाइन ख़राब थी। दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ख़राब मटेरियल को यूज़ किया गया हो। इसके अलावा टिबिया नाम की एक बोन होती है जो हमारे शरीर में भी होती है, जो एक तरह से हमारे बॉडी की सबसे मजबूत बोन मानी जाती है, वैसे ही स्ट्रक्चर में भी टिबिया बोन होती है। जानकारों का कहना है कि उसमें अगर ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए तब भी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो कमज़ोर हो सकती है और उसकी वजह से वो टूट सकती है। जब ये प्रतिमा गिरी तो अंदर के स्ट्रक्चर की भी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के एक मशहूर क्राफ्ट्समैन हैं, उनका नाम है श्रीकंदा स्थपति। उन्होंने जब इस तस्वीर को देखा तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रतिमा थी वो हॉलो डिज़ाइन पर बनी हुई थी, यानी जिन मूर्ति को ज़्यादा ऊंचा बनाया जाता है वो अंदर से खाली होती हैं, हॉलो होती हैं, जिससे उसके वजन को संभाला जा सके। उनका कहना है कि इस तरह के स्टैचू में ज़्यादातर सभी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बनाया जाता है, फिर उसके बाद उनको साथ में लाकर उनकी वेल्डिंग कर दी जाती है। जैसे ह्यूमन स्केलेटन होता है वैसे ही अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एल शेप के एंगल्स पे जोड़कर पूरा पुतला बनाया जाता है। उनके हिसाब से इस 37 फीट की शिवाजी की प्रतिमा में अंदर जो स्ट्रक्चर था उसमें एल एंगल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो सकते थे और सभी जो जॉइंट्स थे उनके वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर होने चाहिए थे। खैर, इस प्रतिमा को जल्द से जल्द अब सही करने का यहाँ पर वादा कर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन सियासत ज़रूर गर्मा चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि जो शिवाजी की प्रतिमा है उसके गिरने का आखिर कारण क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।